हमें यह कार्य शीघ्र ही पूरा करना है। अलेक्जेंडर किसी भी क्षण यहां आ सकता है। ध्यान से, एक भी स्थान न छूट पाए। हमें इस पूरी घाटी को ढकना है, जिससे अलेक्जेंडर की अधिक से अधिक सेना इसमें गिरकर काल का ग्रास बन जाए। एक संदेश है पौरव श्रेष्ठ, महाराज पुरुषोत्तम की सिंध सेना से भेंट हो चुकी है और अब वो उत्तर पश्चिम घाटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम है, अब हमें अलेक्जेंडर की सेना की प्रतीक्षा करनी है ताकि हमारी योजना पूर्ण हो सके। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो ब्यूसिफलस? हम यहां रुक नहीं सकते ब्यूसिफलस। इस मार्ग में आपको सावधान रहना होगा शायन एजेंडर, क्योंकि इस मार्ग में एक गहरी घाटी है जो बहुत निकट से भी दिखाई नहीं देती। और जाने का कोई और रास्ता? उत्तर दिशा की तरफ एक रास्ता है हुजूर, लेकिन वो यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। 10 कोस तो क्या, इस जंग में फतेह पाने के लिए मैं 1000 कोस भी जा सकता हूँ। राष्ट्र में स्वागत कैसा रहा अलेक्जेंडर? भूल कर भी मत सोचना कि तुम्हारी कोई भी चाल मुझे मेरी मां को हासिल करने से रोक सकती है। आज जो मेरे रास्ते में आएगा वो कुचला जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी शिकस्त कबूल करके अपने सर झुका दो, वरना अपने जीते जी देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे बेटे के कटे हुए सर पे पांव रखकर तुम्हारे पौरव तख्त को हासिल करता हूं। आक्रमण! भारत जय तू! भारत जय तू!
बढ़ते बढ़ सैनिक है ये, परंतु इससे पहले कि पूर्व और बम्बे यहाँ आए, इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। उम्मीद है तुम्हें मेरा तोहफा मिल गया होगा पोरस, तुम्हारे भाई की लाश। जब तलवार ढाल पर पड़ती है तब क्षति ढाल को नहीं, तलवार को पहुंचती है अलेक्जेंडर। अस्थि नाम है मेरे भाई का और अब भी वो जीवित है। एक दिन तुम्हारी इसी तलवार को वो तोड़ेगा जिससे तुमने उस पर प्रहार किया था। बातें बातें बातें, सिर्फ बातें करते हो तुम भारतीय, और जब जंग का वक्त आता है तो दुश्मन की मां को ढाल बनाकर उनके पीछे छिप जाते हो तुम लोग। तुम्हारी माता को ढाल बनाने के उद्देश्य से मैं उन्हें यहां नहीं लाया था, बल्कि अपनी तलवार की धार का अनुभव करवाने लाया था। उनकी ये सोच के हम भारतीय दुर्बल और भयभीत हैं, उसे बदलने। और आज अवसर आ गया अलेक्जेंडर, मुझे युद्ध में परास्त करो और अपनी मां को सम्मान पूर्वक यहां से लेकर जाओ। आज तो अलेक्जेंडर से खुद खुदा भी नहीं जीत सकता पोरस, क्योंकि दांव पर मेरी मां लगी है। तुमने मेरी मां को कैदी बनाया और अब मैंने तुम्हारी मां के लिए एक चाल बिछाया है। व्यू की रचना आरंभ करो, मैं स्वयं अनुसुईया को व्यू में लेकर जाऊंगा। हाँ पोरस, तुम यहां बातों में उलझे हो और वहां तक्षशिला की पूरी फौज ने अब तक पारव महल को खेल लिया होगा। अब तुम्हें समझ में आएगा कि जब मां दुश्मन की कैद में हो तो एक बेटा कैसा महसूस करता है। तुम्हारे ही लफ्ज दोहराता हूं पोरस, मुझसे जीतो और बचा लो अपनी मां को। नियति के दो महायोद्धा अब एक ही किनारे पर खड़े थे। अब कौन खड़ा रहने वाला है और कौन गिर जाने वाला है, इसका निर्णय होने को था। We'll be right back.
आज मैं तुमसे तुम्हारी मां और मादेर वतन दोनों छीन लूंगा पोरस। मां के लिए मादेव क्या और देश के लिए प्रदेश क्या, हम सबका सामना कर लेंगे अलेक्जेंडर। मैं तुमसे महानंदिनी की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। पिताजी, प्रस्थान करें। अपने मां के रक्त का मान रखना पुरु। सेनापति, हम पौरव सेना के साथ पूरब से तक्षशिला की सेना पर धावा बोलेंगे। अब सिंध के सेना के साथ पश्चिम से आक्रमण करना। जो छल से आया है वो हमारे बल से पिसा जाएगा आज। अनुसुईया का व्यू में ले जाने का वक्त हो गया है। मैं लाची के पीछे जाता हूं, अनुसुईया स्वयं मेरे पीछे आएगी।
आज तुम्हें ज्ञात होगा कि दशकों से मन में समाया प्रतिशोध कितना घातक होता है। तक्षशिला के व्यू में स्वागत है पौरव राजमाता। अलेक्जेंडर, एक केवल एक युद्ध नहीं, दास बनने के विरुद्ध एक संग्राम है। भारत का हर एक बेटा तुम्हारे सामने चट्टान बन के खड़ा रहेगा।